काश ये जाने क्या मेरी जरूरत है, आंख भर के देख लो तुझको, बस यही मोहब्बत है। तेरा मेरा साथ जो होगा कितनी चाहते होंगी, गम न होंगे कितने हमारे, कितनी राहते होंगी। ये तेरा चांद सा चेहरा नजर में है अभी ठहरा, जहाँ भी देखा तू नजर आता रहा। शहनाज, मर गई हैं दोनों। जी भाभी, खैरियत है? खैरियत? नींद की गोलियां खा के मर गई थी तुम? कितनी देर से आवाजें दे रही हूं मैं, और तुम सोने आई हो यहां पर? दफा हो जाओ मेरे आगे से, जाओ, नजर नहीं आना अब मुझे। और तुम क्या देख रही हो मुझे? उठाओ, मुझे वॉशरूम लेके जाना है। जी। सोनिया, अरे ओ सोनिया, अरे कुछ सुन भी रही है या नहीं? अरे फोन नहीं आया जुल्फी का, इतने दिन हो गए, मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ। ना ही उस यासिर ने कोई फोन किया, बल्कि मैं तो यासिर के घर भी गई थी, उसकी माँ कहती है कि उसको भी कोई फोन नहीं आया। तो अम्मा, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? उन्होंने ही कॉल करनी है ना, थके हुए होंगे, कर लेंगे कॉल। तुम कितना होल रही हो? अरे मेरा दिल कैसे ना होल है, मेरा मासूम बच्चा पता नहीं किस हाल में होगा। इतना भी मासूम बच्चा नहीं है, इश्क आशिकी के चक्कर में ना कत्ल करने निकल गया था तुम्हारा मासूम बच्चा। चल दफा भी हो तू, और तू जरा बता ना मुझे, ये इतनी बनठन के कहाँ जा रही है तू? मैं जा रही हूँ, 2 घंटे में आ जाऊंगी। मगर पता भी तो चले कहाँ जा रही है। अम्मा जा रही हूँ ना, आके तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। अभी ना ये किचकिच नहीं करना मेरे साथ। अजीब लड़की है भैया। बाय अम्मा, खुदा हाफिज। अल्लाह खैर करे। भाभी रख दो इसे, और तैमूर का नाश्ता भी यहीं ले आओ, वो यहीं नाश्ता करेगा मेरे साथ। लेकिन तैमूर तो ऑफिस चले गए। मुझसे मिले भी नहीं? वो आए थे आपसे मिलने, लेकिन शायद आप सो रही थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि तैमूर मुझसे मिले बिना ऑफिस चला जाए। झूठ बोल रही हो तुम। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? क्योंकि तुम मेरी बेबसी का फायदा उठाना चाहती हो। तुम्हें लगता है सारी जिंदगी मैं बेड पर ही रहूंगी? एक बार मुझे ठीक होने दो, फिर तुम्हें ठीक करूंगी। नाश्ता कर लीजिएगा। सोनिया, तुम यहां?
सुहेल सर आप? रमशा मैंने आपका लंच बॉक्स रख दिया, ठीक है बेटा? चाची और मैं पराठा? मैंने आपका पराठा भी रखा है और कबाब भी, फ्रेंड्स के साथ मिलके खाना। ओके। और आज आपने कोई फाइट नहीं करनी गेम में। चलो ड्राइवर भैया वेट करेंगे। चलो पहनो ना, कुछ पहन लिया करो, अली कितने बड़े हो गए हो आप। इतनी आसानी से तो मैं तैमूर को दूर नहीं जाने दूंगी। मैं तैमूर को अपने घेरे से निकलने ही नहीं दूंगी, बल्कि अपना घेरा और तंग कर लूंगी। फलक, फलक! जी भाभी। लेके जाओ इसे, मुझे नहीं करना। क्यों भाभी? तुम्हारी इतनी हिम्मत के मुझसे सवाल जवाब करो? तुमसे कह दिया ना मुझे नाश्ता नहीं करना, ले जाओ। लेकिन अगर आप नाश्ता नहीं करेंगी तो मेडिसिन कैसे लेंगी? तुम मेरी डॉक्टर हो, तुम मुझे बताओगी कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा? तुमसे कहा ना, ना मैं मेडिसिन लूंगी और ना ही मैं नाश्ता करूंगी, ना ही कुछ खाऊंगी। उठाओ इसे। भाभी अगर आप नाश्ता नहीं लेंगी तो आपका दर्द ज्यादा हो जाएगा। मैं लगता है कि मैं मर जाऊंगी। तो खुश हो जाना, दिन रात यही तो दुआएं मांगती हो कि मैं मर जाऊं, तभी तो इस हाल में हूं। ऐसी बातें कर रही है, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? तुम ऐसा क्यों चाहोगी? अब मुझसे बहस मत करना, ये नाश्ता उठाओ और ले जाओ और अब मेरे कमरे में मत आना। आप प्लीज नाश्ता कर लें, प्लीज जाओ यहां से। मगर अभी तो तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, मेरा मतलब है कि तुम जॉब और एजुकेशन को कैसे मैनेज करोगी? सर मैं कर लूंगी, मजबूरी सब कुछ सिखा देती है। सर मैं जानती हूँ कि इस जॉब के लिए बहुत सी लड़कियां आई हुई हैं, शायद मैं डिजर्व भी नहीं करती। फिर सर आप जानते हैं ना हमारे घर के हालात, अम्मा थोड़ा बहुत काम कर लेती है और जुल्फी अभी बाहर गया है, पता नहीं उसे नौकरी मिलती भी है कि नहीं। सर घर के हालात बहुत मुश्किल हुए हुए हैं। सर मैं जॉब करूंगी तो घर चलेगा, आप तो जानते हैं ना सर, मैंने आगे पढ़ाई भी करनी है, अगर मैं जॉब नहीं करूंगी तो मैं आगे पढ़ कैसे पाऊंगी? वैसे तो मुझे लगता है कि आगे मैं कभी पढ़ ही नहीं पाऊंगी। सर अगर आप मेरी मदद कर दें तो मेरा सहारा बन जाएगा। अच्छा परेशान मत हो। सर आप जानते हैं ना ये नौकरी मेरे लिए कितनी जरूरी है, मैं जानती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ मगर फिर भी मैं इस जॉब के लिए बहुत जरूरतमंद हूँ। सर मुझे बगैर सिफारिश के नौकरी भी नहीं मिल सकती, आप तो जानते हैं, आप ही हैं जो मुझे नौकरी दे सकते हैं। अगर मैं चाहती तो मैं किंजापी को बोल सकती थी, सिफारिश करवा सकती थी, मगर आप तो जानते हैं ना कि किंजापी जुल्फी की वजह से कितना नाराज है, जुल्फी ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं आपके ऑफिस कभी ना आती मगर इसके अलावा मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल सकती। सर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मुझे ये जॉब दे दे। डोंट यू वरी, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ,
इस वैकेंसी के लिए ना सही, मगर तुम्हारे लिए मैं किसी ना किसी तरह कोई गुंजाइश निकाल दूंगा। आप सच कह रहे हैं सुहेल? मेरा मतलब है सुहेल सर, मैं कैसे यकीन कर लूं? एक दो दिन में तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, और मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिला सकता हूँ? सर वाकई मुझे आपके ऑफिस में नौकरी मिल जाएगी? क्यों नहीं मिल सकती, हम पर रिश्तेदारों का हक होता है। सर आप बहुत अच्छे हैं, मैंने पूरी दुनिया में आप जैसा इंसान नहीं देखा। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी मजबूरी समझी, मैं सारी जिंदगी आपकी एहसानमंद रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं फलक बात कर रही हूँ। हाँ क्या हुआ? वो भाभी नाश्ता नहीं कर रही। क्यों? पता नहीं। तुमने कुछ कहा होगा उनको? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैं नाश्ता लेकर गई थी लेकिन शायद आप मिलके नहीं गए ना भाभी से, इसलिए। क्या मतलब? वो कह रही थी कि तैमूर मेरी खैरियत पूछने नहीं आया। अरे मैं गया था पर वो सो रही थी। मैंने भाभी को यही बताया लेकिन वो फिर भी नाश्ता नहीं कर रहे। अब तो मैं ऑफिस पहुंच गया हूं। लेकिन वो मेडिसिन नहीं खाएंगी अगर नाश्ता नहीं करेंगी तो। यार वो लेना तो बहुत जरूरी है। मैंने उनको कहा था कि थोड़ा बहुत खा लें फिर मेडिसिन भी खानी है। वो नहीं खाएंगी। चलो मैं आता हूँ 10 मिनट। जी यही तो चाहती हैं आप भी कि आप इन्हें एक लम्हे के लिए भी फरामोश ना करें। अरे भाभी मुझे माफ कर दें, गलती हो गई, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं आपको जगाता। तुम जानती हो ना इस तरह इग्नोर करती हो तो मेरे दिल पे क्या गुजरती है। कैसी बातें कर रही हैं आप, ऐसा सोचती भी क्यों है? तुम मेरे भाई हो, तुम्हारे अलावा इस घर में मेरा है ही कौन, अगर तुम भी इस तरह करोगे तो मेरा क्या होगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा। मैं आपके पास आया था पर आप सो रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं आपको जगाऊं। पता नहीं कब आप सोई हो रात भर तकलीफ की वजह से। मैं तो पूरी रात ही नहीं सोई। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ भाभी अभी आप सब छोड़ें, ये नाश्ता कीजिए फिर दवाई खाइए, इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। भाभी अगर आपको कुछ और चाहिए ला दूं, गरम दूध। कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुम जाओ। अब फलक तुम मुझे दवाइयाँ देना, मैं अपनी प्यारी सी भाभी को खुद दवाइयाँ खिलाऊंगा। तैमूर मुझे मुझे रमशा और अली की बहुत फिक्र है, तनी वो बच्चे नाश्ता करके स्कूल गए या नहीं गए। भाभी आप बच्चों की फिक्र ना करें, उनको मैंने नाश्ता भी करवा दिया था और लंच भी बना दिया था, अभी तक तो वो आते होंगे, फिर आप उनसे मिल लीजिएगा। मेरा घर तो बेतरतीब हो गया है बिल्कुल। अरे आप क्यों टेंशन ले रही हैं भाभी, आप बाकायदगी से दवाइयाँ खाएंगी, आप बिल्कुल पहली जैसी हो जाएंगी, बिल्कुल फिक्र ना करें आप। ये तो तुम हो जो मेरा भला चाहती, दुनिया में तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिर्फ मेरा बुरा चाहते हैं। सॉरी सर, वो मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। कोई बात नहीं कहिए।
सर वो मैं चाहती थी कि आप अभी तैमूर सर और किंजापी को मत बताइएगा जब तक मुझे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल जाता, शायद वो मेरा यहाँ जॉब करना पसंद ना करें। मगर क्यों? पता नहीं सर, मैंने और अम्मा ने हमेशा दूसरों के काम आने की कोशिश की है, मगर किंजापी और तैमूर, आप अभी फौरन मत बताइएगा, उन्हें पता तो चल ही जाएगा, मगर मैं चाहती हूँ कि अभी ना पता चले कुछ टाइम के लिए। अभी किंजापी को ताज़ा ताज़ा गुस्सा है ना जुल्फी पर, तो ये ना हो कि उस लपेटी में मैं आ जाऊँ। ठीक है, किंजा को थोड़े दिन बाद बता देंगे, मगर तैमूर से ये बात छुप नहीं सकती। तो सर उस वक्त देखी जाएगी, मगर सर वो मुझे अपॉइंटमेंट लेटर कब तक मिल जाएगा? इंशाल्लाह आज ही ईमेल करवा दूंगा। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया, मैं चलती हूँ। अल्लाह। तुम? हासिम, तुम यहाँ पे? हाँ, मैं कराची मूव हो गया हूँ फिर से। अरे यार, तुम तो बिल्कुल नहीं बदले, तुम तो वैसे के वैसे ही हो। लेकिन तुम बहुत बदल गई हो। क्या मतलब बहुत बदल गई हूँ? तुम बहुत खूबसूरत हो गई हो। मैं मेरा मतलब उस लड़की से जिसे मैं 3 साल पहले यहाँ छोड़ कर गया था, उससे तो तुम बहुत मुख्तलिफ हो। मिस्टर आसिम, वक्त के साथ साथ ना बहुत कुछ बदल जाता है। ठीक कह रही हो, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। वो तुम ही थे ना जो मुझसे वादा करके गए थे कि लाहौर जाके डेली बात करोगे, और तुम वहाँ जाके बिल्कुल बदल गए। तुमने सिर्फ 15 दिन मुझसे बात की, उसके बाद तुम मुझे भी भूल गए और तुम्हारा नंबर भी चेंज हो गया। एक्चुअली सोनिया, हालात बहुत बदल गए थे। वो एक्सक्यूज मी। यस या आई विल बी राइट देयर। जी बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके, मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है, तो एक काम करो तुम, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इस पे मेरा नंबर और एड्रेस मेंशन है, तो हम बाद में मिलते हैं। आसिम, इतने टाइम के बाद मिले हो, थोड़ी देर तो रुको, इतनी भी क्या चलती है, चलो ना कॉफी पीते हैं। मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, और लेकिन अभी एक जरूरी काम है। एक काम करो, तुम मुझे अपना नंबर दो, मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट करूंगा। हाँ हाँ, लिखो। चीजें चाहिए थी। क्या
अब मैं ऑफिस छोड़ के ग्रोसरी करने जाऊं तुम्हारे साथ? वो घर पे सारा सामान खत्म है, भाभी को यखनी भी बना कर देनी है, और बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं है, ना चिप्स है ना नगेट्स, चिकन भी नहीं है, वो क्या खाएंगे? तो पैसे दे रहा हूँ, जाकर ले आओ। मैं ले आऊं? नहीं तो और कौन है यहाँ पे? मुझे तो नहीं आती खरीदारी करनी, मैं हमेशा खाला और सोनिया के साथ थी हूँ, मुझे नहीं पता कैसे चीजें लेते हैं। ये सामान जंगल से नहीं मिलेगा, तुम जाओगी तो एक घंटे में वापस भी आ जाओगी, गाड़ी है ड्राइवर है, तू जाओ ना। आज आप चले जाएं, मैं नेक्स्ट टाइम चली जाऊंगी। नेक्स्ट टाइम जब जा सकती हो तो आज क्या मसला है? मैं इस इलाके से फेमिलियर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता शॉप्स कहाँ हैं यहाँ पे। शक्ल क्या बना रही हो? बैठो यार गाड़ी में, चलो। मैं चलूं? ये लिस्ट तुम्हारी है ना, तो मैं क्या होता है? चलो जी। पीछे क्या बैठ रही हो? ड्राइवर हूं तुम्हारा क्या? आगे बैठो। आगे जी। जीबे यार, कहां फंसा दिया है मुझे। फरक को बुलाओ जरा। फलक बीबी तो घर पर नहीं है। कहाँ गई है? जी वो अभी अभी तैमूर साहब के साथ कहीं बाहर गई है, थोड़ी देर हुई है। तैमूर के साथ कहाँ गई है? पता नहीं जी, वो बताकर नहीं गई मुझे। ऐसे कैसे नहीं पता तुम्हें? कहाँ होती है सारा दिन? तो कौन घर में आ रहा है, कौन घर से जा रहा है, क्यों जा रहा है, नजर रखा करो ना। हद हो गई है। पता नहीं किसका गुस्सा बिला वजह मुझ पर निकाल रही है। कर ली दिली दिल में मेरी बुराइयां, अब सर पे खड़ी रहोगी? जाओ यहां से नालायक। क्या हो रहा है मेरे घर में? भाई इससे बुरे कपड़े नहीं थे पहने, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आना चाह रही थी, मेरा हुलिया इस काबिल नहीं था। मैंने वैसे भी कभी तुम्हें ढंग के हुलिये में देखा नहीं, एक तुम और एक वो ज़ारा थी। माफ कीजिएगा, मेरा ज़ारा से कोई मुकाबला नहीं। अल्लाह ना करे वो मेरी तरह यतीम नहीं थी और उसकी शादी बेजोड़ नहीं हुई, जिसे जहेज में सूट भी ना मिला। अब बस मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, अगर आपके पास टाइम हो तो। नहीं है मेरे पास टाइम, अभी चलो। जी हाँ ठीक है, सही है जी। भाई आपकी बहुत याद आ रही है, सच कह रही हूँ, अगर आसिम की मजबूरी नहीं होती ना तो आपको छोड़ के कभी भी नहीं आती। सभिया मैं उदास जरूर हूँ, लेकिन सच पूछो तो अंदर से खुश हूँ कि आसिम अपने बिजनेस के लिए नई राहें तलाश कर रहा है। जी भाई बहुत मेहनत कर रहा है, सुबह जाता है तो रात के वापस आता है, देखिए अभी तक वापस नहीं आया। सुनो अब जब घर आए तो उसे कहना कि भाई कभी कभी मामू को भी याद कर लिया करे, ऐसी भी क्या बेरुखी की सलाम दुआ से ही गए। जी जरूर, आता है ना तो आपसे बात कराती हूँ मैं। लेकिन
आराम से ना, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तुम जज्बात में बहुत ज्यादा बोल जाती हो। जी अच्छा भाई, जूबी की पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो आप लोग इधर आ जाएं, फिर हम बच्चों की खुशियां देखेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल आता हूँ, बिल्कुल आता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अभी तो कह रही थी। वो तो मैं वैसे ही कह रही थी। मैं भी ऐसे ही दिला रहा हूँ, इसे कुछ और मत समझ लेना। खुशफहमी इंसान को बहुत दुख देती है। ले लो। जी वो अभी अभी तैमूर साहब के साथ कहीं बाहर गई हैं, थोड़ी देर हुई है। आखिर कहाँ गए ये दोनों एक साथ, वो भी मुझे बताए बगैर? वो लड़की तो इस घर में रहने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन तैमूर को क्या हो गया? तलाक देने की बजाय उसे अपने साथ लेकर घूम रहा है। अब ये क्या चल रहा है? मैं बिस्तर पर क्या पड़ी हूँ, सब कुछ मेरे घर में उलट पलट हो गया है। क्या बात करना चाहती थी तुम मुझसे? वो मैं समझ गई हूँ, मैं बिना मतलब के आपके घर में क्यों रह रही हूँ। क्या मतलब है इस बात का? किंजा भाभी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो मुझे बहुत जल्दी भेजना चाहती हैं यहाँ से, और शायद आप भी। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। अगर आप लोग मुझे निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? जब शादी हो रही थी तो मुझे खाला ने साफ मना कर दिया था कि इस घर में तुम्हारे साथ जो भी हो तुम वापस कभी नहीं आओगी, मैं तुम्हें कभी नहीं रखूंगी। शायद मैं ढीठ बन के खाला की तरफ चली जाती। मेरे पास कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। मैंने कभी अपने आप को जिंदगी में इतना कमजोर महसूस नहीं किया। अगर मेरा बस चलता तो शायद मैं कभी आपसे ये बात ना करती, लेकिन मेरे बस में कुछ भी नहीं है। खबरदार, देखो आज तो तुम इस घर में आ गए हो ना, अगर आइंदा उन लोगों ने तुम्हें निकाला भी तो इस घर में कदम मत रखियो, समझ गई मेरी बात? मैं कहां जाऊंगी, मेरे पास है कौन आपके अलावा? अरे तो मैं क्या करूं, मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ। मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर उन लोगों को पता चल गया ना कि तुम यहाँ आई हो तो वो तो मुझसे रकम मांगने का मुतालबा करेगी, कहां से दूंगी मैं? आइंदा अगर तुम दरवाजा भी पीटती रह गई ना तो कभी नहीं खोलूंगी तुम्हारे लिए ये दरवाजा। मैं तुम्हारी शादी हो गई ना, तुम्हारा और हमारा खत्म का। तो मैं कहां जाऊं? कहीं नहीं।
मुझे नहीं लगता कि किंजा आप ही चाहती हैं कि मैं घर में रहूं। शादी से पहले उनका बिहेवियर मुझसे बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के बाद वो थोड़ा सा बदल गई है। फलक देखो, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें भाभी के दिल में जगह बनानी होगी, ताकि तुम इस घर में रह सको। लेकिन मैं तो वो सब काम करती हूँ जिससे भाभी मुझसे राजी हो जाए। फलक, भाभी मेरे लिए एक मिसाली औरत है। उन्होंने अपने घर को मजबूत बुनियादों के लिए जितनी कुर्बानियां दी हैं ना, शायद ही कभी कोई और दे सके। अम्मी की वफात के बाद तो हमारा घर जैसे बिल्कुल बिखर सा गया, और मैं तो शायद कहीं मारा मारा फिर रहा होता। लेकिन भाभी ने जिस अकलमंदी और मोहब्बत के साथ हम सबको जोड़ के रखा है, जितनी जितनी मोहब्बत दी है उन्होंने, वो अपने आप में एक मिसाल है। तुमको भाभी इस घर में लेकर आई है ना फिर, इसलिए तुम्हें पहले उनके दिल में जगह बनानी है। मैं अपनी तरफ से तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता। रहने दो सोनिया, शहनाज फ्री हो गई होगी किचन से, वो कर देगी। अरे किंजा आपी, मैं जानती हूँ आप खुद बहुत एक्टिव हैं, सारे काम मिनटों में कर लेती हैं। पता है आपी, मैंने आपके लिए ना बहुत अजीब सा ख्वाब देखा। सुबह से मैं इतना परेशान थी कि अम्मा को बिना बताए ना आपसे मिलने चली आई। अगर अम्मा को बताती तो अम्मा यही कहती, जुल्फी ने जो चांद चढ़ाया है पता नहीं किंजा आपी हमें मुँह भी लगाए कि नहीं। मगर मैं जुल्फी की हमाकत की वजह से अपनी इतनी प्यारी किंजा आपी को थोड़ी छोड़ सकती हूँ। और वैसे भी आप तो मेरी आइडियल हैं। बातें अच्छी कर लेती हो तो अच्छा टाइम पास हो गया है मेरा, वरना इस कमरे में वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो पलक कहाँ है? वो कुछ और ना सही, बातें तो वो भी बहुत अच्छी कर लेती है। वैसे किंजा भी मुझे ऐसा लगता है कि अब तो वो अपने आप को इस घर की मालकिन समझती है। तैमूर साहब की बीवी जो बन गई है ना, उसकी तो नाक बहुत ही ऊंची हो गई है। अब वो फलक नहीं रही, उसमें तो बहुत नखरे आ गए। ऐसी कोई बात नहीं है। असल में किंजापी आप खुद बहुत अच्छी हैं, आपको दूसरों के रवैयों से कोई शिकायत ही नहीं होती। वो याद है जारा, उसने आपके साथ कितना कुछ बुरा कहा, कितना कुछ आपको बोला, और आपने तो आगे से उसे कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल खामोश रही। और मुझे लगता है अभी ये जो फलक है ना, ये भी आपका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। मगर आप ही उसको ना खींच के ही रखना। आप नहीं जानती लोगों को, लोग बहुत अजीबो गरीब से होते हैं, आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आ गई थी बस। मैं जानती हूँ आपने मुझ पर और अम्मा पर इतने एहसान किए हैं, हम लोगों का इतना साथ दिया है, मेरा तो राइट बनता था ना आपका शुक्रिया अदा करना। वैसे किंजा आप भी वो फलक नहीं दिखाई दे रही, वो कहाँ है? आप ही शायद आपका कोई मैसेज आ रहा है। थैंक यू, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अगली दफा आपको जहमत ना दूं। भाभी ठीक हो जाएंगी तो इंशाल्लाह वो सारा काम खुद संभाल लेंगी। ये रुकिए, नहीं चले चले।
बाबा ये चीटिंग है, अभी ना 15 मिनट बाकी, चले मेरे साथ। कल से वादा, मैं टाइम पूरा करूंगा, आज मैं अब एक कदम नहीं चल सकता, चलो वापस। मैं ना आज ही डॉक्टर से टाइम लेती हूँ आपके लिए, बस बहुत हो गया। अरे क्या पागल हो गई, डॉक्टर को क्यों बीच में ला रही हो? कह रहा हूँ ना कल से करेंगे पूरा, आज नहीं, बहुत थक गया, अब एक कदम नहीं चल सकता, आज अब आज। जब तक फुप्पो थी तो आप टाइम से अपना चेकअप करवा लेते थे, टाइम से अपना ख्याल भी रखते थे, और अब मैं ना फुप्पो से अभी जाकर बात करती हूँ कि आप मेरी कोई बात नहीं सुनते। अरे तुम मेरी शिकायत करोगी? जी करूंगी। अरे यार पागल हो गई, फुप्पी से मेरी शिकायत करोगी? नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ ना कल से मैं टाइम पूरा करूंगा, कल से आएंगे, आजा। नहीं नहीं नहीं, इधर चले 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 चले। माशाल्लाह बड़े प्यारे कपड़े हैं, और ये रंग भी आप पर बहुत अच्छे लगेंगे, सोनी लगेंगी आप। बहुत बातें करना स्टार्ट हो गई हो तुम, ऐसी हस्ती रहा करें, अच्छी लगती हैं। वैसे ये सारे कपड़े आपको तैमूर साहब ने दिलाए हैं? सच्ची बड़ी प्यारी पसंद है उनके, अब लगेंगे ना आप तैमूर साहब की बेगम, वरना पहले तो। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, खाना बनाते हैं, टाइम हो गया ना, भाभी बहुत डांटेंगी। वो तो अपने कमरे में है, वो आपकी बहन आई हुई है ना, उनके साथ बड़ी हंस-हंस के बातें कर रही है। कौन, सोनिया? जी। वो क्या लेने आई है? पता नहीं, ओ मैं तो बताना ही भूल गई, किंजाबाद जी ने आपको अपने कमरे में बुलाया था, बातों बातों में मुझे याद ही नहीं रहा, जल्दी जाएं वरना पता है ना आपको उनके मूड का। तुम ये सामान निकालो, मैं आती। अल्लाह ना करे वो मेरी तरह यतीम नहीं थी, और उसकी शादी बेजोड़ नहीं हुई जिसे जहेज में सूट भी ना मिला। मेरे पास कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है, अगर आप लोग मुझे निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? जब शादी हो रही थी तो मुझे खाला ने साफ मना कर दिया था कि इस घर में तुम्हारे साथ जो भी हो तुम वापस कभी नहीं आओगी, मैं तुम्हें कभी नहीं रखूंगी। शायद मैं ढीठ बन के खाला की तरफ से चली जाती। भाभी आपने बुलाया था? तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मेरी आंखों में धूल झोंकोगी?